ये है जी iPhone 12 Pro Max और iPhone XR। 12 Pro Max में आपको 6GB RAM मिल जाती है, XR में आपको 3GB RAM मिल जाती है। 12 Pro Max में आपको A14 का बायोनिक चिपसेट मिल जाता है, XR में आपको A12 का बायोनिक चिपसेट मिल जाता है। आज बेसिकली हम दोनों का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। 12 Pro Max में तीन कैमरे हैं, एक 12 MP का वाइड एंगल कैमरा, एक 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और एक 12 MP का टेलीफोटो कैमरा जो इसका पोर्ट्रेट कैमरा वो है। और XR में आपको एक सिंगल कैमरा मिलता है जो कि वाइड एंगल कैमरा 12 MP का। इसमें जो पोर्ट्रेट कैमरा है वो वाइड एंगल कैमरे के ऊपर ही पोर्ट्रेट कैमरा क्लिक करता है। मतलब कि इसका ये सिस्टम है कि जो वाइड एंगल कैमरे की जो विड्थ है, जो उसकी फोकल लेंथ, इसमें ऑप्टिकल जूम नहीं आता, 1x के अंदर ही पोर्ट्रेट, 1x के ऊपर ही पोर्ट्रेट क्लिक करता है। मतलब जिस तरह दूसरा 12 Pro Max में वो 2.5x के ऊपर भी पोर्ट्रेट क्लिक कर लेता है, जूम करके पोर्ट्रेट क्लिक करता है, ये उसमें सिस्टम नहीं है। इसकी फोकल लेंथ बिल्कुल बहुत कम है, 26 mm इसकी फोकल लेंथ है, जबकि 12 Pro Max की 65 mm फोकल लेंथ है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 12 Pro Max का कैमरा चेक करो, इसका कैसा रिजल्ट है, टाइम लैप्स चेक करो, इसका क्या सिस्टम है, 0.5x के ऊपर आप शूट कर सकते हो, 1x के ऊपर भी, 2.5x के ऊपर भी, मतलब आप तीनों कैमरे इसके लिए यूज कर सकते हो। सेम ये केस स्लो मोशन में भी है, आप तीनों कैमरे के ऊपर स्लो मोशन शूट कर सकते हो। और सेम ये केस वीडियो में भी है, तीनों कैमरे के ऊपर, मतलब 0.5x के ऊपर भी करो, 1x के ऊपर भी करो, 2.5x के ऊपर भी करो, तीनों के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाती है वीडियो शूट करने की, स्लो मोशन और टाइम लैप्स की। फोटो में भी सेम ये सिस्टम है, तीनों कैमरे के ऊपर आप फोटो शूट भी कर सकते हो, और पोर्ट्रेट में भी सेम ये सिस्टम है। पोर्ट्रेट में आपको थोड़ी सी कम ऑप्शन मिल जाती है, आप यहाँ पे चेक करो, एक तो ऑप्टिकल जूम ये कर रहा है 2.5x के ऊपर ये पोर्ट्रेट शूट कर रहा है, लेकिन आप ये 1x के ऊपर भी पोर्ट्रेट शूट कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक करो कैसा सिस्टम है, ये दोनों के ऑप्शन आप यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा पैनो मोड है जी, पैनोरामा जो सिस्टम होता है, आप चेक करो, इसमें भी आपको तीनों कैमरे के ऊपर ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा आप इसका सेल्फी कैमरा चेक करो, जिसका कैसा सिस्टम है, ये आप चेक करो, सेल्फी कैमरा ये पोर्ट्रेट में भी मिल जाता है, उसके अलावा आपको सेल्फी कैमरा में वाइड एंगल के भी मिल जाता है, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाती है। ये आपको वीडियो का चेक करो कैसा सिस्टम आता है जी, काफी अच्छा रिजल्ट है जी इसका। बाकी अभी आपको दूसरा फोन भी चेक करवाता हूँ। अभी ये चेक करो जी iPhone XR का कैमरा, यहाँ पे टाइम लैप्स कैप्शन चेक करो जी कैसा इसका रिजल्ट, आप चेक करो जी कैसा दिख रहा है आपको। यहाँ पे स्लो मोशन का रिजल्ट आप चेक करो जी कैसा दिख रहा है, इसका रिजल्ट आप चेक करो कैसा, रात के टाइम का काफी गंदा होता है लेकिन फिर भी दिन का टाइम का अच्छा आता है रिजल्ट। वीडियो का रिजल्ट आप चेक करो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे फोटो का सीन चेक करो आपको कैसा दिख रहा है। अभी जो इसकी मेन और इंटरेस्टिंग चीज है वो इसका पोर्ट्रेट कैमरा, यहाँ पे आप चेक करो दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसका मैं जूमिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं किया, मतलब नॉर्मल फोटो के साथ पिक्चर क्लिक करूँ और फोटो पोर्ट्रेट के साथ क्लिक करूँ आपको इतना कोई फर्क नहीं फील होने वाला। यहाँ पे आप चेक करो फिर से ये फोटो का कैमरा, आप चेक करो कैसा सीन आ रहा है, और अगर मैं पोर्ट्रेट के ऊपर शिफ्ट करता हूँ फिर आप चेक करो कैसा सीन आ रहा है। ये पीछे से पास ब्लर कर देगा लेकिन सेम एंगल पे ब्लर करेगा, जो कि इतना इंटरेस्टिंग का फील नहीं होता। यहाँ पे इसका सेल्फी कैमरा आप चेक करो कैसा सीन आ रहा है, 7 MP का इसका सेल्फी कैमरा जी, इसको वीडियो भी ऑप्शन भी है, इसके भी कैमरे के अंदर टेस्ट है, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, अदरवाइज इसका रिजल्ट इतना बुरा नहीं है जितना भी ये दिखा रहा है। बाकी इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं और आपको उसका दोनों का रिजल्ट चेक करवाता हूँ कैसा है जी। सबसे पहले मैं दोनों के वाइड एंगल कैमरे के साथ पिक्चर क्लिक करता हूँ और उसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ कैसा है। अभी आप चेक करो जी दोनों के पोर्ट्रेट कैमरे का रिजल्ट, एक जो कैमरा है 12 Pro Max का वो 2.5x के ऊपर भी पोर्ट्रेट शूट कर लेता है और 1x के ऊपर भी पोर्ट्रेट शूट कर लेता है, लेकिन जो XR का कैमरा है वो सिर्फ 1x के ऊपर पोर्ट्रेट शूट करता है। तो आप दोनों का रिजल्ट और डिफरेंस चेक करो, आपको समझ आ जाएगी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी आप चेक करो जी दोनों फोन का जूमिंग टेस्ट, जो 12 Pro Max है वो 12x तक जूम कर लेता है लेकिन जो XR है वो सिर्फ 5x तक जूम करता है, काफी बड़ा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन फिर भी आप दोनों का रिजल्ट चेक करो कैसा आता है।